अपने बिगड़ैल बच्चों को सीधा करने के लिए अनुपमा भी चल रही है टेढ़ी चाल। हाय एवरीवन, मैं हूँ अभिलाषा। टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि पाखी और तोशू आशा भवन वापस आ गए हैं और यहाँ पर वो खूब गिड़गिड़ाते हैं कि प्लीज़ हमें अंदर ले लीजिए, लेकिन अनुपमा उनकी ये सारी चालें समझ रही है। उसके बाद तोशु अपनी बेटी से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ तुम अपनी दादी को कहो कि हमें अंदर आने दे। इस पर परी कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अच्छा है कि दादी आपको अंदर ना आने दे, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर नहीं थे तो घर में शांति थी, अब आप लोग आ गए हो तो वापस से रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। उसके बाद पाखी अपनी बेटी ईशानी से सेम रिक्वेस्ट करती है तो ईशानी भी अपनी माँ को कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप मुझसे प्यार नहीं करती हो, आप हमेशा ही मुझे डांटते रहते हो, इसीलिए मैं नहीं कहूँगी नानी को कि वो आपको अंदर ले ले, ये नानी का ही फैसला होगा। मतलब इस तरीके से तोशु और पाखी जालसाजी कर रहे हैं और फिर अनुपमा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें आने दे। इस पर अनुपमा कहती है कि ठीक है, पहले तुम सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगो, पूरे आशा भवन के एक एक मेंबर से तुम लोगों को माफ़ी मांगना होगा। इस पर पाखी और तोशु पहले तो एटीट्यूड दिखाते हैं, लेकिन फिर उन्हें वो डरावनी रात याद आ जाती है कि किस तरीके से वो दर दर भटक रहे थे। ऐसे में वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, इन सबसे माफ़ी मांग ले और आशा भवन में एंट्री कर ले, और वो वैसा ही सोचकर सबसे माफ़ी मांग लेते हैं। तो अनुपमा कहती है कि ठीक है, अब माफ़ी मांग लिया ना, चलो ठीक है, लेकिन तुम लोग अंदर नहीं आ सकते हो, और वो दरवाज़ा बंद करने लगती है, लेकिन पाखी और तोशु जबरदस्ती दरवाज़ा खोल देते हैं और वापस अपनी माँ के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि ये गलत है, ये चीटिंग है, आप ऐसा नहीं कर सकती है, आपने पहले कहा कि माफ़ी मांगो और अब आप दरवाज़ा बंद कर रही हैं, हमें अंदर नहीं आने दे रही हैं। इस पर अनुपमा कहती है कि वो टेस्ट था, तुम लोगों का ईगो टेस्ट कर रही थी, एटीट्यूड टेस्ट कर रही थी, अगर आशा भवन में रहना है तो अपना एटीट्यूड, अपना ईगो सब बाहर छोड़कर आना होगा, तुम लोगों का एटीट्यूड अभी तक गया नहीं है, इसीलिए तुम आशा भवन में नहीं आ सकते हो। इस पर पाखी और तोशु फिर से अपनी चाल बदल देते हैं और फिर से अनुपमा से माफ़ी मांगने लगते हैं, तो फाइनली अनुपमा उन दोनों को आशा भवन के अंदर ले लेती है। तो दोस्तों, इन बिगड़ैल बच्चों को सीधा करने के लिए अब हमारी सीधी साधी अनुपमा भी टेढ़ी चाल चलने लगी है, जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके आगे का अपडेट जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।